तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजल लोन डीमैट अकाउंट के न्यू रेफरल अपडेट के बारे में। अगर आपने भी एंजल लोन पे डीमैट अकाउंट ओपन किया है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या रेफर करके पैसे कमाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एंजल लोन एप्लीकेशन की ओर से फाइनली यहाँ पर रेफर प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि नए रेफरल अपडेट के अकॉर्डिंग अभी एंजल लोन की ओर से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप कितने पैसे कमाने वाले हो, कितनी आपकी अर्निंग होने वाली है, सारी चीज़ वीडियो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो अगर अभी तक आपने एंजल लोन पर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली आप फ्री में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको एंजल लोन पर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और एंटर ओटीपी पे क्लिक करना होगा। देन आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी, उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, कंटिन्यू तो गूगल पे क्लिक करना होगा। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, आपको अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करना होगा तो आपकी ईमेल आईडी होगी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद से आपको नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पैन कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी होगी या कैमरे के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे पैन कार्ड के फोटो को क्लिक करना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अपलोड पैन कार्ड पिक्चर पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैमरे पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे कैमरे से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, राइट टिक पे क्लिक करना होगा। राइट टिक पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होगी, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देन आपको नेक्स्ट पेज पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, नीचे कैप्चा एंटर करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। एक 60 डिजिट की पिन एंटर करनी होगी डिजी लॉकर की और अगेन यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और परमिशन को अलाउ कर देना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से आपको अपनी सेल्फी क्लिक करनी होगी। सेल्फी क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना होगा, तो आप फिंगर से भी सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, सिग्नेचर को ड्रॉ करने के बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप यहाँ पे FNO में, फ्यूचर में, करेंसी में, कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस सेगमेंट को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR रिटर्न। उसके अलावा आप यहाँ पे DP होल्डिंग फॉर्म 16 और पासबुक की फोटोकॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, डू इट लेटर पे क्लिक करना होगा। डू इट लेटर पे क्लिक करने के बाद से आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से जेंडर सेलेक्ट करनी होगी, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी होगी और सेटलमेंट में आप यहाँ पे क्वार्टरली या मंथली सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से नॉमिनी डिटेल का ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना होगा, नॉमिनी की डिटेल एंटर करनी होगी। नॉमिनी डिटेल ऐड करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, सेव नॉमिनी पे क्लिक कर देना होगा। सेव नॉमिनी पे क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे NSDL के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, ऊपर दिए गए बॉक्स को चेक करना होगा, नीचे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा और सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद से अगेन आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एंजल लोन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप चलिए हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना होगा। तो जो आपका अकाउंट होगा 24 आवर्स से लेकर 48 आवर में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा आपको कन्फर्मेशन मिल जाए तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एंजल वन। एंजल वन सर्च करने के बाद से एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से परमिशन को अलाउ करना होगा, नीचे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ग्रांट परमिशन पे क्लिक करना होगा, परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे OTP एंटर करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको फर्स्ट टाइम अपने पासवर्ड क्रिएट करना होगा, एक 4 डिजिट की पिन यहाँ पे एंटर करनी होगी। पिन एंटर करने के बाद से आपको यहाँ सिंपली करना क्या होगा, बायोमेट्रिक को ऐड करना होगा, स्किप करना होगा। देन आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखने मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सेवी का है, आपको सिंपली इसे चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे एंजल ओन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। देन आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा। होम पेज पे आपको इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू देखने मिल जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और यहाँ पे IPO म्यूचुअल फंड ये सारी चीज़ देखने मिल जाएगी। वॉचलिस्ट पे क्लिक करके आप अपनी वॉचलिस्ट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आप अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप अपनी ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट के अंदर फंड को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने अकाउंट को मैनेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड फंड पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे अमाउंट एंटर करना होगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, गूगल पे फोन पे कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे पैसे को ऐड कर लेना होगा और यहाँ पे पैसे आपको उसी बैंक अकाउंट से ऐड करना है जो कि बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे एंजल ओन पे ऐड किया है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 100 रुपीज का जो फंड है सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। आपको सिंपली करना क्या होगा, फंड को ऐड करने के बाद से आपको बैक आना होगा। आप देख सकते हैं 200 रुपीज होने लग गया है। जैसा भी हम फंड ऐड कर लेंगे, आपको सिंपली करना क्या होगा, वॉचलिस्ट पे क्लिक करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आइडिया सर्च करता हूँ, आइडिया के स्टॉक आपको देखने मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, डिलीवरी एंटर डे सेलेक्ट करना होगा, नीचे आपको क्वांटिटी एंटर करनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग शेयर बाय कर सकते हैं, जितनी आपको शेयर बाय करने हो। आप यहाँ पे 2 भी शेयर बाय कर सकते हैं, 5 भी शेयर बाय कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10 से 20 रुपये पे करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आइडिया के 1 शेयर की प्राइस है 7 रुपये है। तो क्वांटिटी एंटर करनी होगी, मार्केट लिमिट सेलेक्ट करना होगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, बाय पे क्लिक करना होगा, कन्फर्म पे क्लिक करना होगा, देन जो आपका ऑर्डर होगा प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से अपना फर्स्ट एड भी कंप्लीट कर सकते हैं ताकि जो आपका अकाउंट है फुल्ली एक्टिवेट हो जाए और आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके अर्निंग करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे अभी के टाइम में न्यू रेफरल अपडेट के अकॉर्डिंग पर रेफरल आपको 500 रुपीज़ मिलने वाला है और इसका भी मैं आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूँ विथ इनकम प्रूफ के साथ। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, एप्लीकेशन को रेफर करने के लिए होम पे क्लिक करना होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, रेफर योर फ्रेंड एंड अर्न का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस एप्लीकेशन की ओर से अभी के टाइम आपको पर रेफरल 500 रुपीज़ मिलने वाला है और जो ऑफर है जुलाई मंथ से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ देखने को मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में आपको 500 रुपीज़ मिल रहा है जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तो आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके पर रेफरल 500 रुपीज़ इजीली अर्न कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना होगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर करने का रेफर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी फ्रेंड आपका रेफरिंग से अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट एड कंप्लीट करेंगे, इंस्टेंट आपको 500 रुपीज़ मिल जाएगा। और बात करें आप अपनी रेफरल की डिटेल कैसे चेक करेंगे, आप अपनी अर्निंग कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रेफरल रिवॉर्ड पे। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा मैंने इस एप्लीकेशन पे 500 रुपीज़ यहाँ पर जितेंद्र को रेफर करने पे 12 जून को अर्न किए हैं। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं वैभव को रेफर करने पे 500 रुपीज़ मिला है, रंजीत को रेफर करने पे 11 जून को 500 रुपीज़ मिला है, प्रमोद को रेफर करने पे 500 रुपीज़ मिला है, रिहान को रेफर करने पे 500 रुपीज़ मिला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इस एप्लीकेशन पे टोटल अभी तक 17,741 रुपये अर्न किए हैं रेफरल के थ्रू। तो आपको यहाँ पर यकीन हो गया होगा अभी के टाइम में आप इस एप्लीकेशन पे फ्री अकाउंट क्रिएट करके इसे रेफर करके पर रेफरल 500 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पेंडिंग रेफरल का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जिसे आपने रेफर किया है उसका नेम यहाँ पे इस सेक्शन में शो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है या उसने अपना फर्स्ट एड कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इस केस में आपको यहाँ पर अर्निंग क्रिएट नहीं की जाएगी और जो अर्निंग होती है आपको वाउचर फॉर्म मिलती है आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल आईडी पे सेंड की जाती है और आप उसे रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि एंजल ओन पे कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे ट्रेडिंग करने है, कैसे फंड ऐड करना है, कैसे रेफर करना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे अर्निंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।